वीडियो हम अपडेट करने जा रहे हैं। आज है 7 जून 2024, 7th June 2024। तो कल सॉरी 5th जून को जो वीडियो आया था उसमें मैंने आप लोगों को फॉरेन कॉइन्स के बारे में बताया था। अलग अलग मेटल के अलग अलग कंट्री के कॉइन्स हमने देखे थे, जिसमें आप लोगों को पता चला कि उसका 2022 के ऑक्शन में क्या सेलिंग प्राइस रखा गया था। ठीक है, तो आज भी हम उसी को कंटिन्यू करेंगे और भी कुछ कॉइन्स मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, क्योंकि फॉरेन के कॉइन्स भी काफ़ी लोगों के पास होते हैं। कुछ इस टाइप के पुराने सिक्के भी होते हैं जो लोगों के पास कभी कभी बहुत सारे मिल जाते हैं, किसी किसी को 20 30 50 कॉइन एक साथ भी मिल जाते हैं। तो जो जानकार नहीं होते हैं वो बेचारे किसी को भी किलो के भाव में या ऐसे ही 100 रुपये 50 रुपये के हिसाब से दे देते हैं, जबकि किसी किसी की कीमत 5,000 है, किसी की 10,000 है, किसी की 2-3 हज़ार है। भले ही लाखों करोड़ों में नहीं है, लेकिन कॉपर या सिल्वर के भी जो कॉइन्स होते हैं उनकी भी कुछ ना कुछ वैल्यूएशन आपने देखी लास्ट वीडियो में। तो आज के वीडियो भी उसी का कंटिन्यूएशन है, पार्ट टू है। फॉरेन मिंट्स के कॉइन्स जो ऑक्शंस में सेल हुए हैं उनको हम दिखा रहे हैं, और इन कॉइन्स को देखने के बाद आप अपने कॉइन्स को चेक करेंगे। अगर आपके पास जो मैं फ़ोटो वगैरह दिखा रहा हूँ वैसा ही कॉइन अगर आपके पास है, ठीक है, डिटेलिंग भी देखिएगा, तो ही आप उसको समझिए कि वो सेम कॉइन है। अदरवाइज़ ज़रूरी नहीं है कि आपके पास जो कॉइन रखा हो वो कॉइन भी कीमत पे बिक सके। हो सकता है बहुत ज़्यादा पे भी बिक सकता है, और हो सकता है कुछ कॉमन भी हो वो, ठीक है। तो हर सिक्का तो बिकेगा नहीं, लेकिन जो सिक्के मैं दिखा रहा हूँ वो डायरेक्टली आपको ऑक्शंस से रिलेटेड ही फ़ोटो वहाँ की दिखा रहा हूँ जो सेल हुए हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज की वीडियो में भी, देखते हैं कौन कौन से कॉइन है ऐसे जो सेल हुए हैं ऑक्शंस में। तो सबसे पहले देखिए ये जर्मन ईस्ट अफ्रीका वाला, ये वाला जो कॉइन है वेलहेम टू का, इनका पोर्ट्रेट है इसके ऊपर और इनकी डेट वगैरह दी गई है कब से कब तक ये थे। और सिल्वर का ये कॉइन होता है, ठीक है, सिल्वर में 2 रुपयन लिखा हुआ है, और इसके ऊपर अगर आप देखेंगे तो सारी चीज़ें नज़र आ जाएगी। अब ये कॉइन की जो प्राइस रखी गई थी सेलिंग के लिए, ये एक रेयर कॉइन है, यहाँ पे लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप, रेयर कॉइन है, कंडीशन गुड थी, यानी अच्छी कंडीशन, वेरी फाइन कंडीशन का कॉइन था। आगे का फोटो आप देख रहे हैं, चलिए, एक रेयर कॉइन है, यहाँ पे लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप, रेयर कॉइन है, कंडीशन गुड थी, यानी अच्छी कंडीशन, वेरी फाइन कंडीशन का कॉइन था। आगे पीछे का फोटो आप देख रहे हैं, तो ये प्राइसिंग रखी गई थी 18,000 से 20,000 रुपये में, ठीक है। इसका एक एस्टिमेशन रखा गया था, जब ये एस्टिमेशन यानी कि वो प्राइस होता है जो ऑक्शन हाउस वाले डिसाइड करते हैं कि इसका इतना कम से कम प्राइस होना चाहिए। फिर बोली लगने के बाद कोई सिक्का 10,000 के एस्टिमेशन में रखा हुआ 25,000 में भी बिकता है, या 10,000 से 12,000 रखा गया कीमत वाला सिक्का 10,000 में भी बिक जाता है। कभी कभी कोई सिक्के बिकते भी नहीं है, ये बात भी होती है, तो वो रिटर्न या तो जिसके कॉइन होते वो ले लेता है, या फिर से उसको किसी और दूसरे टाइम में ऑक्शन में लगाया जाता है। तो ये वाले सिक्के की प्राइस रखी गई थी 18,000 से 20,000 रुपया इस कंडीशन में। ये एक रेयर सिक्का है, और मेरे हिसाब से अगर ये UNC कंडीशन में हो तो ये कम से कम 30,000 से 40,000 रुपये की कीमत इजीली दे सकता है, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए, ये एक पूरा सेट था, ये पूरा सेट इन्होंने एक साथ रखा है, जर्मन ईस्ट अफ्रीका इन्हीं का ये कॉइन है। अब इनमें ये 3 कॉइन है सिल्वर के, ये 3 सेट है, 1x रुपया लिखा हुआ है, और कौन से मिंट से है वो भी लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप, 1/2 रुपया भी इधर पर आप देख सकते लिखा हुआ है, और 1/4 रुपये भी ये इसमें था। तो ये सब मिला के ये सिल्वर के कॉइन है, ये तीनों कॉइन का सेट की प्राइस रखी गई थी 7,000 से 9,000 रुपया, ठीक है। यानी मेरे हिसाब से एक कॉइन की कीमत 2,000 के करीब आप पकड़ सकते हैं, 2 से 3,000 के बीच में इस कंडीशन में, ठीक है। इसके बाद देखिए, ये गोल्ड का कॉइन है, ये वाला जो आप देख रहे हैं, जर्मन स्टेट प्रशिया लिखा हुआ है, ये भी विलियम टू का ही ये भी कॉइन है, और ये गोल्ड का कॉइन है, और गोल्ड के इस यहाँ पर डिटेलिंग कॉइन्स की दी हुई है, 7.94 ग्राम का ये कॉइन है। प्राइसिंग की जहाँ तक बात है तो 42,000 से 50,000 रुपये इसका एस्टिमेशन प्राइस आज से 2 साल पहले रखा गया था। ये जो ऑक्शन का मैं जो डिटेलिंग दिखा रहा हूँ ये 2 साल पहले की है, 2022 की है, ठीक है।
देखिए आप, ये गोल्ड का कॉइन अगर होगा किसी के पास, तो इसकी 2 साल पहले जो ऑक्शन में प्राइस रखी गई थी, इस कंडीशन में यानी न्यू कंडीशन है ये, लगभग 40 से 42 से 50 हज़ार रुपया। इसके बाद जो ये कॉइन आप देख रहे हैं जिस पे आप यहाँ पे ईगल बना हुआ भी देख सकते हैं, इस कॉइन की डिटेलिंग यहाँ पे है, जर्मनी वाइमर रिपब्लिक कॉइन है ये, सिल्वर फाई रेच मार्क लिखा हुआ है, एमेंट मार्क वगैरह वगैरह। इनकी 200वीं एनिवर्सरी थी, इसके बेस पे ये बनाया गया था, और ये एक रेयर कॉइन है, एक्सट्रीमली फाइन कंडीशन में ये कॉइन था, जिसकी कीमत रखी गई थी 6 से 8 हज़ार रुपया, 6,000 to 8,000 रुपीज़। इसके बाद एक और कॉइन जो देख रहे हैं हम, अब ये वाले कॉइन की डिटेलिंग में जाते हैं, ये जर्मनी वेमियार इनका ही कॉइन है, और रिपब्लिक सिल्वर फाई रिकमार एडी, सेम डेट वगैरह वैसे ही लिखी हुई है, और ग्राम्स की अगर बात करें तो थोड़ा सा फ़र्क है, वो 25 ग्राम का था, ये 24.96 ग्राम, लगभग समझ लीजिए 25 ही ग्राम है, और ये भी एक रेयर कॉइन है, और इसकी प्राइसिंग रखी गई थी सेम 6 से 8 हज़ार रुपये, यानी ये दोनों कॉइन 6 से 8 हज़ार रुपये के हिसाब से सेलिंग के लिए लगाए गए थे, ठीक है, सिल्वर के कॉइन है ये। और अब देखिए इसके बाद जो हम ये कॉइन देख रहे हैं, ये आप देख सकते हैं अलग अलग कंट्री के ये कॉइन है, तो आपको ध्यान रखना है कौन सी कंट्री का किस मेटल का कॉइन मैं बता रहा हूँ। ये हंगारी कंट्री का कॉइन है, जोसेफ टू का, ठीक है, सिल्वर थैलर लिखा हुआ है, यानी सिल्वर का ये कॉइन है, 1786 AD, और बी मिंट वगैरह वगैरह डिटेलिंग है इसमें, और प्राइसिंग इसकी रखी गई थी 15 से 20 हज़ार रुपया, सेलिंग प्राइस इसकी एस्टिमेशन रखी गई थी, और ये कहीं ना कहीं कैटेगरी वाइज एक रेयर कॉइन है, दुर्लभ कॉइन है, ठीक है। तो इनमें भी देखा जाता है रेयर है, स्कार है, वेरी स्कार है, या कॉमन है, ठीक है, तो जो रेयर होंगे वो आसानी से बिक जाते हैं। इसके बाद देखिए जिस पे 1000 लिखा हुआ है, येन लिखा है, टोक्यो का यानी जापान का ये कॉइन है, तो देखते हैं जापान का ये कॉइन 1964 का, 1964 का समर ओलंपिक्स के थीम पे ये बनाया गया था, ओलंपिक्स के थीम पे बना हुआ, ठीक है, और ये कॉइन 19.68 ग्राम का है, और मेटल की अगर बात करें तो सिल्वर मेटल का ये कॉइन है, प्राइसिंग इसकी रखी गई थी 6 से 8 हज़ार रुपया, ठीक है। और अगर ये रेरिटी की बात करें तो इस ग्रेड में ये रेयर है, यानी कंडीशन वाइज अगर देखा जाए, लास्ट वीडियो में भी मैंने कहा था कि कुछ सिक्के कंडीशन वाइज रेयर माने जाते हैं, यानी कि लो कंडीशन में ये सिक्के मिल जाते होंगे, लेकिन अच्छी कंडीशन में ये आसानी से नहीं मिलते, तो इस कंडीशन में ये कहीं ना कहीं रेयर है, लिखा हुआ है रेयर इन दिस ग्रेड, ठीक है। तो प्राइसिंग आपने देख ली, 6 से 8 हज़ार रुपया इस जापान के कॉइन की रखी गई थी, ओलंपिक के थीम पे ये बना हुआ कॉइन है। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं, मैं एक ही वीडियो में कोशिश करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा कॉइन्स की नॉलेज आप लोगों तक पहुँचे, ठीक है। देखिए ग्रेट ब्रिटेन वाला ये भी है, जॉर्ज फोर्थ लिखा हुआ है, और गोल्ड का ये कॉइन है 1.2, और प्राइसिंग इसकी रखी गई थी 25 से 30 हज़ार रुपया इस गोल्ड वाले कॉइन की, 25 से 30 हज़ार। इसका वेट की अगर बात करें तो 3.85 ग्राम का ये गोल्ड का कॉइन है, ठीक है। इसके बाद देखिए विक्टोरिया जी का ये जो कॉइन है, ग्रेट ब्रिटेन विक्टोरिया का, ये भी गोल्ड का एक कॉइन है, प्राइसिंग वेट की अगर बात करें तो 7.93 ग्राम का ये गोल्ड का ये कॉइन है, प्राइसिंग इसकी रखी गई थी 40 से 45 हज़ार रुपया, ठीक है, ये वाले कॉइन की। और देखिए एक और ये भी गोल्ड का ही कॉइन है, ग्रेट ब्रिटेन विक्टोरिया वाला, ये भी कॉइन है 1.2, इसकी प्राइसिंग रखी गई थी 25 से 30 हज़ार रुपया इस कॉइन की प्राइस, वेट की अगर बात करें तो 3.99 ग्राम का ये था। इसके बाद ये वाला भी एक विक्टोरिया कॉइन ही है, और इसकी बात करें तो ये 3.96 ग्राम का था, और प्राइसिंग इसकी रखी गई थी 22,000 से 25,000 रुपया, ठीक है, 22,000 से 25,000 रुपया। इसके बाद विक्टोरिया का ये वाला जो कॉइन आप देख रहे हैं, ये कॉपर का कॉइन है, और ये है कहाँ का देखते हैं, ग्रेट ब्रिटेन विक्टोरिया, कॉपर 1.2 पार्थिंग लिखा हुआ है इसके ऊपर, और 2.43 ग्राम का ये कॉइन है, प्राइसिंग रखी गई थी 3,000 से 4,000 रुपया,
ठीक है। तो कॉपर के कॉइन भी कुछ ना कुछ वैल्यूएशन के होते हैं। लोग जो है ना ऐसे कॉइन्स को उठा के दे देते 100-200 रुपये में, या मैक्सिमम 400-500 रुपये में, ठीक है। थोड़ा बहुत मतलब अगर उनको ऐसा लगे कि नहीं इसकी वैल्यू होनी चाहिए, लेकिन जो जो जानते ही नहीं है वो तो 10-20-50 रुपये में भी दे देते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। इसीलिए मैं ये डिटेलिंग वीडियो बता रहा हूँ, फ़ोटो के साथ आपको सारी डिटेलिंग दे रहा हूँ। तो देखिए अब आगे बढ़ते हैं। ये वाला कॉइन आप देख सकते हैं, $1 का ये कॉइन है। डॉलर वाला भी कॉइन इसमें आपको देखने मिल रहा है, और ग्रेट ब्रिटेन का ही ये कॉइन है, सिल्वर डॉलर है ये, ठीक है। इसका वेट की अगर बात करें 26.85 ग्राम, 26.85 ग्राम का ये कॉइन होता है, और इसकी एस्टिमेशन प्राइस रखी गई थी 6 से 8 हज़ार रुपया, 6 से 8 हज़ार रुपया इसकी प्राइसिंग रखी गई थी। इसके बाद एक और यही वाला कॉइन आप देख सकते हैं, इस टाइप का ही बना, $1 कॉइन, यानी ये दो कॉइन थे। इसकी ये दोनों वेरियस कार श्रेणी के है, ठीक है। इसकी प्राइस रखी गई थी 8 से 10 हज़ार रुपया। तो कंडीशन वाइज मेरे ख्याल से ये एक्स्ट्रा फाइन, देखिए ये वेरी फाइन प्लस है ये वाला, ठीक है, और ये वेरी फाइन कंडीशन का है, तो इसलिए 2 से 3 हज़ार का फ़र्क कंडीशन के वजह से आप यहाँ पे देख सकते हैं कॉइन में पड़ गया है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, एक और कॉइन देखिए, किंग जॉर्ज 5th का ये वाला कॉइन है, मॉरिशियस का ये कॉइन है, ठीक है, मॉरिशियस का ये कॉइन है, जॉर्ज 6 का सिल्वर रूपी, ठीक है। हालांकि ये 5th है, यहाँ पे इन्होंने लिख दिया गलती से, ये 5th ही है, जॉर्ज 5th किंग सिल्वर रूपी है, और यहाँ पे अगर ग्राम की बात करें तो 11.65 ग्राम का ये कॉइन है, और इसकी प्राइसिंग रखी गई थी 3000 से 4000 रुपया, 3000 से 4000 में ये सेलिंग के लिए लगाया गया था आज से 2 साल पहले, ठीक है। अब ये वाली एक और कॉइन की फ़ोटो आप देख रहे हैं, ठीक है, ये टोकन टाइप कॉइन दिख रहा है, देखते क्या है ये। ये नेपाल का कॉइन है, त्रिभुवन वीर विक्रम लिखा हुआ है इसके ऊपर, सिल्वर का दो मोहर है, एक्चुअली ये सिल्वर का दो मोहर है, और ये कॉइन की प्राइसिंग रखी गई थी 2000 से 2500। ये भी एक वेरिस कार श्रेणी का कॉइन है, ठीक है। तो ज़्यादातर वेरिस कार श्रेणी के कॉइन्स आप देख सकते हैं जो 2-3-4-5 हज़ार के होते हैं, फॉरेन वाले कॉइन, ठीक है। तो ये जो मैंने कॉइन्स दिखाए आपको, जो भी अलग अलग मेटल के अलग अलग कंट्री के, ठीक है, मेरी कोशिश है आप लोगों को ऐसे ही और भी कॉइन्स की इन्फॉर्मेशन विद डिटेलिंग प्रूफ के साथ आपको दिखाऊं। और जिन लोगों के पास ऐसे सिक्के हैं, और जो बहुत सारे फ्रॉड लोग के चैनल देख के समझते हैं मिलियंस ऑफ डॉलर में बिकते हैं, तो वो भी सिक्के होते हैं मिलियंस ऑफ डॉलर में बिकने वाले, लेकिन वो इतने आसानी से हर किसी को नहीं मिलेंगे, ठीक है। जैसे हमारे रिपब्लिक इंडिया के कॉइन्स में आज के टाइम अगर मैं सिर्फ 1 रुपीज़ की बात करूं कि अगर आप जाके बहुत सारे चिल्लर में देखिए, नेशनल यूथ ईयर का जो 1 रुपीज़ हैदराबाद मिंट का है ओरिजिनल वाला, वो ढूंढ के निकालिए, तो बहुत मुश्किल है कि वो किसी को मिल जाए, ठीक है। तो ऐसे रेयर जो कॉइन होते हैं उनकी कीमत लाखों में जाती है, लेकिन जो दूसरे टाइप के कॉइन्स हैं, स्कार वेरी स्कार या रेयर में, ऐसे भी होते हैं 8-10 हज़ार की प्राइस वाले होते हैं। और जहाँ तक मेटल का सवाल है, गोल्ड का अगर कोई कॉइन है तो जाहिर सी बात है गोल्ड की एक अपनी वैल्यू है, तो उस वैल्यू के ऊपर समझ लीजिए मेरे अंदाज़ा है 10-20-30% का वैल्यूएशन और मिल जाता है अगर वो वेरी स्कार टाइप की श्रेणी का है। लेकिन अगर कोई रेयर है तो समझ लीजिए अगर उसकी मेटल की वैल्यूएशन 50,000 है तो ऊपर आपको 20-30-50 हज़ार और मिल सकता है, और वेरी रेयर है तो समझ लीजिए 50,000 के कॉइन का मतलब मेटल वैल्यू के 50,000 अगर उसकी हो रही है तो उसका मेरे हिसाब से वेरी रेयर होने की वजह से, फिर कंडीशन का भी डिपेंडिंग रहेगा किस कंडीशन में वो आपको मिला है। बेस्ट कंडीशन में तो हो सकता है उसका आपको 2-3 लाख रुपए भी मिल जाए। तो ऐसे ही सारी कॉइन्स की डिटेलिंग मैं अपने ऐप पर भी डाल रहा हूँ, ठीक है, धीरे धीरे वो अपडेट होता जा रहा है, उसमें डिटेलिंग मैं बढ़ाते जा रहा हूँ। तो फॉरेन के कॉइन्स भी हम एक थीम रखेंगे जिसमें मैं फॉरेन्स के कॉइन्स की भी आप लोगों को डिटेल उसमें बताता रहूँगा, ठीक है। तो ये था, अच्छा बात और बतानी थी कि एक दो केस मेरे पास आए थे जिसमें ये बोला गया था कि किसी ने उनको कॉइन्स सेल किए हैं और वो कॉइन्स सही नहीं मिले हैं उन्हें, ठीक है। तो उस हिसाब से वो मुझे कंप्लेंट कर रहे थे कि सर आप कुछ करिए,
तो मैंने उनको सिर्फ इतना कहा है कि अगर आपने वो डील में कोई प्रूफ रखा होता आपके पास, जैसे आपको कोई कॉइन मिल रहा है, याद रखिए जब भी आप किसी से भी कॉइन लेंगे, मेरे से भी लेंगे या किसी और से भी, कोई भी जेन्युइन डीलर हो या कोई नया पर्सन हो, कॉइन लेने के बाद आपको उसका अनबॉक्सिंग का एक वीडियो ज़रूर बनाना है। यानी कि वो कॉइन जब पार्सल के थ्रू आपके पास अगर आ रहा है तो उसको खोलते वक्त उसका वीडियो बनाना है, प्रॉपरली वो कॉइन आपको दिखाना है वीडियो में, ठीक है। वो एक प्रूफ हो जाएगा आपके पास कि उस पार्सल में ये कॉइन निकला है। अगर वो प्रूफ नहीं रहेगा तो आप क्लेम नहीं कर सकते, ठीक है। मैं हूँ या आप हो या कोई भी हो, हम क्लेम नहीं कर सकते। फिर वो सामने वाले की नीयत के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर उसने गलती से भेजा है तो बात तो अलग है, हो सकता है वो एक्सेप्ट कर ले, हाँ ये मेरा ही कॉइन है, मैंने गलती से भेज दिया है, आप उसे रिटर्न कर दो, मैं सही कॉइन भेज दूंगा, या पैसा वो रिटर्न कर देगा आपको। लेकिन जो जिसकी नीयत ही वो फ्रॉड करने की हो, आपको गलत कॉइन देने की हो, और आप उसका प्रूफ भी नहीं रखोगे, तो वो तो बोलेगा मैंने तो ये कॉइन दिया नहीं था, आप ये दूसरा कॉइन बता रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पे आप कुछ नहीं कर पाओगे, ना मैं कुछ कर पाऊँगा। तो मेरे यूट्यूब पर जो लोगों का इंटरव्यू है उनमें से या हमारी कम्युनिटी में से आप किसी से भी कॉइन खरीदते हैं तो आप उसके ज़िम्मेदार आप हैं, ठीक है। आप उसका मेरे से ये मत उम्मीद रखिए कि मैं उसके बारे में कुछ कर सकता हूँ। मैं तभी कर सकता हूँ अगर आपके पास कुछ प्रूफ होगा तो मैं उनको बोल सकता हूँ। अगर वो फिर भी नहीं समझेंगे तो मैं उसका वीडियो भी आपके लिए डाल सकता हूँ कि उन्होंने ये गलत किया है आपके साथ, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है। अगर मैंने भी कोई कॉइन किसी को गलत भेजा है और मैं अगर उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ और आपके पास प्रूफ है तो आप भी उसको बता सकते हैं, ठीक है। तो ये सबके लिए है। और इस इंडस्ट्री में अगर देखिए फ्रॉड तो हो ही रहे हैं, बहुत किस्म के फ्रॉड करते हैं लोग। एक तो फ्रॉड होता है कि आपको झूठे प्राइसिंग दिखाई जाती है वीडियो में, जिसके ऊपर लोग जाके फंस जाते हैं, सेलिंग करने के चक्कर में खुद ही पैसा दे के फंस जाते हैं वो। तो दूसरा तो इस टाइप के भी है कि डुप्लीकेट कॉइन्स भी ऑनलाइन में भी ऐप्स में भी ऐसा देखा गया है। ये तो पर्सन की बात अलग होती है, ऐप्स वगैरह जो होते हैं ऑनलाइन में उनसे भी कॉइन मंगाने पर गलत कॉइन आ जाते हैं। तो उसकी भी बहुत सारे ऐसे लोगों की कंप्लेंट आती थी मेरे पास, तो उनकी भी कोई ख़ास सुनवाई होती नहीं है उन ऐप्स के ज़रिए। तो प्रूफ अगर होगा तो उसको हम भी एक्सपोज कर सकते हैं, बता सकते हैं कि हाँ इन्होंने गलत किया है, ताकि लोगों को अवेयरनेस होगी, ठीक है। तो थोड़ा सा अलर्ट है कि काम कीजिए और जेन्युइन लोगों से ही बाय करना है। कोई भी चीज़ें हो, चाहे वो 1,000 रुपये की चीज़ बाय कर रहे हो आप या 10-20 हज़ार 50 हज़ार की चीज़ बाय कर रहे हो, ठीक है। थोड़ा सस्ता कहीं मिलता है, किसी वीडियो में लोगों को दिखता है, लोग वहाँ से ख़रीदने लग जाते हैं। तो मैं गलत नहीं कहूँगा किसी से भी, लेकिन ख़रीदना है तो पहले आपको वहाँ तक उन तक पहुँचने का आपके पास सोर्स होना चाहिए, उनका घर पता होना चाहिए, आजू बाजू के या कॉन्टैक्ट्स आपके पास होने चाहिए कम से कम, के उनके कोई आसपास रहने वाले लोगों का या तो आपको कॉन्टैक्ट हो जो उनका घर जानता हो, ठीक है, जो आपकी हेल्प कर सकता हो, तभी आप मतलब कुछ कर पाएंगे ना। अदरवाइज़ क्या कर लेंगे आप। अगर किसी अदर स्टेट में, मान लीजिए कोई मेरे से ही कॉइन ख़रीदता है, मैं महाराष्ट्र से भिवंडी से हूँ, ठीक है, और किसी ने मेरे से कॉइन ख़रीद लिया, मान लीजिए वेस्ट बंगाल से, ठीक है, कलकत्ता वगैरह से अगर किसी ने कॉइन, क्योंकि ख़रीदते रहते हैं वहाँ से भी लोग मेरे से ख़रीदते हैं, ऑल ओवर इंडिया से लोग बाय करते हैं, तो अगर मैं उनको कोई कॉइन गलत दे दूं और फिर बाद में मैं उनको रिस्पांस ना करूं, अगर वो 2-4-5 हज़ार की ही बात क्यों ना हो, तो हो सकता है सामने वाला ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, मतलब व्हाट्सएप पे ही कुछ बोलेगा या कॉल करके बोलने की कोशिश करेगा, घर तक तो वो आएगा नहीं, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा मतलब ये लोगों को मौका मिलेगा तो फिर वो सबके साथ ऐसी ठगी करना स्टार्ट करेंगे, हर दूसरे तीसरे पर्सन के साथ ऐसा करना स्टार्ट करेंगे। तो ये मौका देना ही नहीं है, इसलिए आप लोगों को खुद एक पहले जब भी आप बाय करेंगे तो उसका कहीं ना कहीं आप लोगों को वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है। देखिए पैसा आप लगा रहे हैं तो आपको याद रखना है कि उसका वीडियो बनाना ज़रूरी है, ठीक है। वीडियो अगर रहेगा तो प्रूफ रहेगा, प्रूफ रहेगा तो कुछ हो पाएगा, ये बात का ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, इस उम्मीद से आज की वीडियो से भी आपको कुछ ना कुछ सीखने समझने मिला होगा। बाय।